हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका यहाँ पर भारत के द्वीप, या फिर आप भारत के द्वीप समूह के रूप में भी आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, या फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, सो कई सारे आइलैंड है भारत में जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उन सबको हम यहाँ पर मानचित्र यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन सा मैप जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, सो जनरली अपन बात करें यहाँ पर इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं, मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हैं, आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ पर सबको कवर करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आप हमारे उन्नति आईएएस अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारत के द्वीप यानी कि आपके आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लो कि आखिर द्वीप का मतलब होता क्या है, किस भूभाग को आप द्वीप बोलोगे और किस भूभाग को आप द्वीप नहीं बोलोगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि द्वीप का मतलब होता क्या है, द्वीप यानी कि आपके आइलैंड, एक ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, आप उसको यहाँ पर क्या बोलोगे, द्वीप बोलोगे। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर ये द्वीप जो है वो आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है ना कि कोई नदी है तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाए। ऑफ कोर्स सिवा ये आपको नदी में भी देखने को मिल जाएंगे, यदि कोई नदी है और उसके चारों ओर एक क्षेत्र है जो चारों ओर से आपके पानी से घिरा हुआ है, तो आप उसके आगे एक शब्द यूज करोगे यहाँ पर नदी द्वीप। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था माजुली द्वीप, कौन सा आपका यहाँ पर माजुली, तो माजुली जो द्वीप है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, आप उसको यहाँ पर क्या बोलोगे, द्वीप बोलोगे। क्लियर। अब हमने यहाँ पे एक शब्द और यूज किया, वो है आपके यहाँ पर द्वीप समूह। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलके ही क्या बन जाएगा, आपके यहाँ पे एक द्वीप समूह बन जाएगा। जैसे कि लक्षद्वीप जो है एक पूरा का पूरा क्या है, आपका द्वीप समूह है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार की बात करें तो कई सारे वहां पर क्या बने हैं, द्वीप बने हैं, तो उनको अपन वहां पर क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। क्लियर वाली बात। सो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि द्वीप का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि द्वीप यानी कि आपका एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, अ लैंडमार्क दैट इज कवर्ड बाय ऑल डायरेक्शन थ्रू बाय वाटर, इट इज कॉल्ड आइलैंड। क्लियर। चलो, लेकिन हमारे लिए सबसे समझने वाली बात यह है कि कौन कौन से द्वीप हैं और कहाँ कहाँ पर है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो समझते अपन यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटा सा मैप बना रहे हैं। तो मैप के थ्रू अपन यहाँ पर समझते जाएंगे कि कौन कौन से जो आइलैंड हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। हमें जिस पार्ट की नीड है बस वही पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि कोई सा भी एक्स वाई जेड द्वीप दे देगा कि वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है या फिर अरब सागर में। तो हमारी ऑलरेडी क्लास में हमको पता है कि ये वाला जो भाग है वो क्या है आपके यहाँ पर, अरब सागर, यानी कि आपका ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी। क्या बोल रहे हैं हम इनको यहाँ पर, अरेबियन सी। और ये जो साइड है आपका, इसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से। ठीक है, यानी कि इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे द्वीप देखने को मिल रहा है। सो आप समझ जाना यहाँ पर कि अगर इस साइड के द्वीप हैं तो बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, और इस साइड अगर द्वीप कोई पड़ रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, आपके अरेबियन सी में आएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि भारत में अगर अपन बात करें, यहाँ पर कुछ फैक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में जो कुल द्वीप हैं, ये भी आपको जगह जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है, बट आपको याद रखना है कि भारत में जो कुल द्वीपों की संख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर, 615 द्वीप है टोटल। ठीक है, इसमें से अपन बात करें यहाँ पे अंडमान निकोबार की अपन बात करें, और एक पार्ट कौन सा पड़ेगा आपको यहाँ पर, लक्षद्वीप। ठीक है, सो लक्षद्वीप का आप याद रखना, यहाँ पर 36 जो है वो आपके लक्षद्वीप के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर अपन अंडमान निकोबार न करते हुए ये देख लेते कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है, कितने आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आपको मोर देन कितने द्वीप देखने को मिलेंगे, 500 से भी ज्यादा द्वीप देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी आपके यहाँ पर, 572 है टोटल। कितने आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो कितने आपके यहाँ पर, 572। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर
ये वाला पार्ट हो गया आपका अंडमान और ये वाला पार्ट हो गया कौन सा निकोबार। तो निकोबार में जो द्वीप है आप इसको डायरेक्टली याद रखना है कि निकोबार में जो द्वीप है उनकी जो संख्या है वो 18 है। क्लियर? तो थोड़ा सा स्टैटिक्स डाटा है वो आप चीजें डायरेक्टली याद रखो। अपन समझते हैं यहाँ पर वन बाय वन की कौन कौन से द्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये बंगाल की खाड़ी ये टर्मिनोलॉजी हटा रहा हूँ, बस आपको माइंड में सेट करके रखनी है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। हम यहाँ पर अगर बात करें आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, ये आपका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल उसके पास में देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है वो है आपको यहाँ पर न्यू मोरे द्वीप। कौन सा आपका यहाँ पर न्यू मोरे द्वीप। ठीक है, ये जो द्वीप है वो कहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी में। और आपको विशेष याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, ये विवादित द्वीप है। कैसा द्वीप है आपके यहाँ पर, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवादित द्वीप है। क्योंकि बांग्लादेश बोलता है कि ये हमारा है, भारत बोल रहा है कि ये हमारा है, बट राइट नाउ ये द्वीप है जलमग्न है, यानी कि पूरा का पूरा ये पानी में आपका डूबा हुआ है। सो पहला पॉइंट याद रखना है आप यहाँ पर, ये आपका जो सुंदरबन के डेल्टा पड़ते हैं उसके बाद में ही यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस प्रकार के द्वीप का निर्माण हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हम लोग अब कहाँ पे आ गए, उड़ीसा के पास में। ठीक है, तो ये जो राज्य हो गया वो कौन सा हो गया आपका, उड़ीसा के पास में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो द्वीप है इसका आपको नाम याद रखना है क्या है, व्हीलर आइलैंड। ठीक है, कौन सा द्वीप आपके यहाँ पर, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप को अपन बात करें यहाँ पर हम जानते हैं किस रूप से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, सो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि यहां से क्या होता है, भारत मिसाइल परीक्षण करता है। अपन नाम सुना होगा अग्नि मिसाइल वगैरह इन सबका, तो यहाँ से क्या किया जा रहा है, मिसाइल परीक्षण। ये मिसाइल सेटेलाइट नहीं है, ये आपकी अग्नि मिसाइल नाम त्रिशूल जो कि फटती है, मतलब यहाँ पर विस्फोटक जो मिसाइल है उनका परीक्षण जो है ओडिशा के व्हीलर द्वीप। और इसका जो नाम है वो बदल दिया गया, वो क्या कर दिया गया आपके आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो इससे किया जाता है। ठीक है, वही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके नीचे आपको एक और द्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है और नीचे आपका तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, और पास में आपको यहाँ पर पुलिकट झील देखने को मिलती है। तो ये जो द्वीप है वो कौन सा आपके यहाँ पर, श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप आपके यहाँ पर, श्री हरिकोटा द्वीप। तो श्री आप लगा लेना, ठीक है, वैसे भी हमको आदत है भारतीयों को हर किसी के नाम पर श्री लघु जोड़ने की। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इस द्वीप के बारे में, खास बात यह है कि यहाँ पर इसरो का क्या बना हुआ है आपका, मिसाइल परीक्षण केंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पे आपका, इसरो का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, सॉरी परीक्षण बोल दिया, बट यहाँ से जो है आपका लॉन्च पैड बना हुआ है। मंगलयान मूवी आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, ठीक है, विद्या बालन की, तो वहां पर उसमें दिखाया गया कि जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना स्पेस के लिए, तो वो कहां से छोड़े जा रहे हैं आपके यहाँ पर, श्री हरिकोटा द्वीप से ही छोड़े जाते हैं। क्लियर? और कई की बार अगर पूछा भी गया है यहाँ पर कि कौन सा नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजरता है, तो आपको विशेष याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ से आपका नेशनल हाईवे कौन सा गुजर रहा है, NH5 गुजरता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर तमिलनाडु के पास में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, कौन सा, पम्बन द्वीप, विशेष रूप से याद रखना है पम्बन द्वीप। और रामेश्वर के पास में कब आ गई है, तो विशेष रूप से याद रखना पम्बन द्वीप। बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो पम्बन द्वीप है वो किसके मध्य में, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। क्लियर? ये चार के चार याद रखोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा अपन यहाँ पे चलते हैं, अपन नाम सुना होगा बॉम्बे का, तो बॉम्बे में एक द्वीप पड़ता है आपका, कौन सा, सालसेट, है ना। तो आपकी जो ग्रेट बॉम्बे है, यानी कि आपकी जो बृहद बॉम्बे जो बसी हुई है, वो आपकी कहाँ बसी है, सालसेट द्वीप पे बसी है। नाम सुना होगा पिक्चरों में, थाने, बांद्रा, बल्ली, कुर्ला। ठीक है, सो जो थाने वाला जो एरिया आता है ना, वो आपके सालसेट द्वीप पे ही आता है। तो विशेष रूप से याद रखना बॉम्बे जो है वो 7 टापुओं का शहर है। क्या, बॉम्बे जो है वो 7 टापुओं का शहर है। तो इसमें एक जो टापू है वो कौन सा आपका यहाँ पर, सालसेट द्वीप है, और इसी पे ग्रेट बॉम्बे यानी कि बृहद बॉम्बे बसा हुआ है। तो विशेष रूप से याद रखना ये जो कहाँ पड़ेगा आपके, महाराष्ट्र के पास में। ठीक है, अब मैं एक और बात करूँ यहाँ पे, एक और द्वीप है यहाँ पर, कौन सा द्वीप आपके यहाँ पर, भूचड़ द्वीप। तो ये बॉम्बे का कसाई खाना है, मतलब यहाँ पर जो मीट सप्लाई का जो पार्ट है, बिजनेस है, वो चलता है। तो भूचड़ द्वीप भी आप इसको याद रखना। ठीक है, वो मूवी देखी होगी आपने शाहरुख खान की, रईस मूवी, है ना, वो भाई साहब शाहरुख खान जाते हैं ना वहाँ पर, अपना पूरा सिस्टम लेके, लड़ाई वड़ाई भी चलती है स्टार्टिंग में,
तो विशेष रूप से याद रखना यहाँ पर भूचरद्वीप, ठीक है, नाम की वजह से हमने लिया है इसको। अब यहाँ पर जाएंगे अपन तो पास में यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है जिसे अपन बोलते हैं वेलिंगटन। कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर? वेलिंगटन द्वीप। विशेष रूप से याद रखना क्योंकि ये जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। क्या है ये आपका? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इसी द्वीप से अपन बात कर रहे हैं कोचीन बाईपास तक, आपका नेशनल हाईवे 47A जाता है जो कि 6 किलोमीटर का है, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। विशेष रूप से याद रखना है आपको यहाँ पर कि भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH-47A। क्या है यहाँ पर? AK-47 तो सुना ही होगा, तो AK-47 से 47A याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर NH-47A ये कहाँ है? वेलिंगटन से लेके आपके कोचीन बाईपास के बीच में बना हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है वो कौन सा है? वेलिंगटन। और ये कहाँ पड़ेगा आपको? यहाँ पर केरल के पास में, ठीक है। अब केरल में एक द्वीप का नाम और याद रखना है, कौन सा द्वीप आपको यहाँ पर? कोकोनट द्वीप। कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर? कोकोनट द्वीप, ठीक है। तो कोकोनट द्वीप जो है वो अपन बात करें यहाँ पर टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हो सकता है कि नाम की वजह से इसको पूछ लिया जाए, ठीक है। सो कोकोनट द्वीप कहाँ पड़ रहा है आपके यहाँ पर? केरल के पास में पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो आपको दो द्वीप और देखने को मिलेंगे, है ना। तो नाम मैं लिख देता हूँ, बस आपको नाम याद रखना है, आलिया बेट और खादिया बेट। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उनके मुहाने पर आपके द्वीप बने हुए हैं। तो आलिया बेट और खादिया बेट जो द्वीप है वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? यहाँ पर गुजरात के पार्ट में देखने को मिलेंगे, यानी कि गुजरात के पास में देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो द्वीप है वो आपके कैसे द्वीप है? तटीय द्वीप है, जो कि तट के पास में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाय वन, सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो लक्षद्वीप का जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन द्वीपों को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीन शॉट भी ले लो, आराम से लिखते रहना इनको, सारे के सारे याद रखना है क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं ऑलरेडी, जितने इंपोर्टेंट नहीं है वो ऑलरेडी हमने हटा दिए हैं, ठीक है। सो अपन बात करेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार वाले पार्ट की, ठीक है। सो देखते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर के भाग में अंडमान देखने को मिलेगा और नीचे के भाग में निकोबार देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पर तो सबसे पहले अंडमान निकोबार का जो पार्ट है वहां पर आपके 3 आइलैंड बने हुए हैं, ठीक है। ये है कौन कौन से आपके यहाँ पर? ये होगा आपका उत्तरी अंडमान, कौन सा आपका? उत्तरी अंडमान। बीच वाला जो होगा वो होगा कौन सा? मध्य अंडमान। और नीचे जो है वो कौन सा आपके यहाँ पर? दक्षिण अंडमान, क्लियर। अब इसके हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक द्वीप और देखने को मिलेगा, कौन सा होता है वो आपका? वो है आपका लघु अंडमान, क्लियर। अब थोड़ा सा और नीचे हम जाते हैं यहाँ पर तो आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा यहाँ पर, कौन सा? कार निकोबार। और यहां पर अपन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लघु निकोबार, और ये कौन सा आपको यहाँ पर? बृहद निकोबार। और इसके नीचे आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्लियर वाली बात। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक बेसिक आइलैंड लिया है, एक कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और फिर कौन सा आपके यहाँ पर? दक्षिण अंडमान। उसके थोड़ा सा गैप में जाएंगे हम तो लघु अंडमान देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अंडमान, ये पूरा सेक्शन अंडमान और ये कौन सा आपका? निकोबार। तो लघु अंडमान या फिर अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है यहाँ पर? 10 डिग्री चैनल। कौन अलग कर रहा है आपके यहाँ पर? 10 डिग्री चैनल। उसी प्रकार से दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जो सेपरेट करता है वो कौन करता है आपके यहाँ पर? दक्कन पास, क्लियर। और इसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं ये आपके इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर अपन थोड़ा सा बोर्ड के बाहर निकल जाओ
इंडोनेशिया देश पड़ता है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सेपरेट कर रहा है आपका यहाँ पर, ग्रेट चैनल सेपरेट करता है, जो कि हम फर्स्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, तो उसको जाके और देख लो आप, उसका सेकंड पार्ट है ना भारत के परिचय का, तो वहां पर जाके और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अपन देखते हैं यहाँ पर इन चीजों की कुछ खास बात, बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर, वन बाय वन देख रहे हैं अपन यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है आपकी यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, पोर्ट ब्लेयर। तो आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया नवंबर कि अगर आप क्या, अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हो तो आप किस द्वीप पर जाके, अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर जाके उतरोगे। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और कौन सा, लघु अंडमान। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर में ही क्या बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट बना हुआ है तो सिंपल सी बात है कि आदमी उतरेगा कहाँ, वहीं पर उतरेगा ना। तो फिर आंसर क्या था उसका, दक्षिण अंडमान। तो घुमा के फिरा के पूछने की अगर बात कहें तो एग्जामिनर जो है वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको किसको आंसर करना है यहाँ पर, मध्य अंडमान क्या है आपका, सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप याद रखना यहाँ पर कि ये कैसा आपका यहाँ पर, सबसे बड़ा द्वीप। क्लियर, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका फर्स्ट नंबर का, और ये जो है आपका उत्तरी अंडमान वो है आपका यहाँ पर सेकंड नंबर का। क्लियर, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उत्तरी अंडमान पर एक चोटी पड़ती है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है आपका, सैडल पीक। कौन सा आपका यहाँ पर, सैडल चोटी या फिर सैडल पीक, जो कि आपकी क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर, तो कुछ जगह अपन साफ कर लेते हैं फिर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फैक्ट को, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी यहां पर, सैडल पीक है। ठीक है, जो कि कहां पड़ेगी आपके, उत्तरी अंडमान पर पड़ेगी। ठीक है, और बात करें अपन यहां पर अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपके यहां पर, मध्य अंडमान है, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है आपके यहां पर, मध्य अंडमान है। क्लियर, यहां तक क्लियर। और आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो किस पर आती है आपकी, दक्षिण अंडमान पर आएगी। क्लियर, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किसी के पास में हम देखें यहां पर, तो यहां पर लोकेशन बना लेते हैं। तो यहां पर एक द्वीप बना हुआ है, कौन सा द्वीप आपका, सेंटिनेल, है ना, सॉरी सेंटिनल द्वीप। कौन सा द्वीप आपका यहां पर, सेंटिनल द्वीप। ये द्वीप थोड़ा सा ऊपर है बट यहाँ लोकेशन बना लिया अपन ने, चलेगा। सेंटिनल द्वीप जो है वो खास बात है, दो द्वीप है यहाँ पे, एक उत्तर सेंटिनल और एक दक्षिण सेंटिनल। तो आपको याद रखना है कि जो सेंटिनल द्वीप है वहां पर पाई जाती है सेंटिनल जनजाति, और वो जनजाति का ऐसा सिस्टम है कि वो अपने आप को रखें आइसोलेट, ना तो बाहरी लोगों को यहाँ पर प्रवेश किया है आपका मना है। तो हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पे अलग थलग द्वीप है, यहाँ पर लोगों का जो है जाना मना है। तो लास्ट टाइम अगर बात करें, एक से डेढ़ साल पुरानी बात है, दो साल पुरानी बात है, डेढ़ साल से भी ज़्यादा, एक अमेरिकी नागरिक है ना यहाँ पर एंट्री करता है और उसको ये सेंट्रली जनजाति के लोग तीर घुसेड़ देते हैं, क्योंकि भाई साहब को कुछ रिसर्च करनी होगी, पता नहीं क्या करने गए थे, तो उन्होंने टोटल मना करके रखा हुआ है कि साहब एंट्री मत करो, क्योंकि एंट्री करोगे तो उनको सिंपल सी बात धीमे धीमे क्या गुलामी करनी पड़ेगी, अभी कम से कम राजा बनकर तो घूम रहे हैं वहाँ पर। तो विशेष रूप से याद रखना है अपन को सेंट्रली जनजाति और सेंटिनल द्वीप। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, कौन सा द्वीप आपके यहाँ पर, सेंटिनल द्वीप, और ये कहाँ पड़ रहा है आपके, दक्षिण अंडमान के किस साइड के डायरेक्शन में, आपके पश्चिम डायरेक्शन में पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब बात करें अपन यहाँ पर, दो आइलैंड आपको और देखने को मिलेंगे जो कि बहुत खास है आपके लिए। कौन सा आइलैंड है वो आपके, ये आपके ज्वालामुखी वाले आइलैंड है, एक इधर पड़ता है और एक कहाँ पड़ेगा आपके, इधर। तो ये जो है आपका, ये पड़ता है आपका कौन सा, बैरन द्वीप। कौन सा आपका यहाँ पर, बैरन द्वीप, और ये जो आइलैंड है आपका वो कौन सा आपके यहाँ पर, नारकोंडम द्वीप। क्लियर, सो बैरन द्वीप जो है वो कैसा है आपके यहाँ पर, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या,
आपका जो बैरन द्वीप है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, आपका बैरन द्वीप कैसा द्वीप है आपका, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसा ज्वालामुखी जहाँ पर लगातार लावा का उद्गार होता रहता है, उन द्वीपों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है आपका। कैसा वोल्केनो है आपका, ये एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, इन द सेम मैनर अपन बात करें यहाँ पे एक और आपका ज्वालामुखी द्वीप कौन सा आपका, यहाँ पर नारकोंडम द्वीप। ठीक है, सो ये जो है वो कैसा ज्वालामुखी आपका, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त यानी कि आपका डोरमेंट, इनके इंग्लिश मीडियम में लिखते चलना यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो, और इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर डोरमेंट वॉल्केनो। क्लियर, सो विशेष रूप से दोनों द्वीपों को आप याद रखना। अब इसी के ऊपर अपन देखें यहाँ पर, थोड़ा सा अपन और ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर। अब ये मैं सोच रहा सर ये न्यू मोरे वाला कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, और ये आप बेशक चाहो तो इनको अभी इरेजी मान के चलो। ठीक है, सो यहाँ पर ये पूरा जो सेगमेंट चल रहा है वो आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, अंडमान निकोबार वाला सेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा, कोको द्वीप। कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर, कोको द्वीप। एक सेकंड में हटा देता हूँ ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सर न्यू मोरे के पास में कोको है। ये द्वीपों को अपन हटा देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये तो लिख लिया हो गया कोको द्वीप। अब ये जो द्वीप है वो कहाँ पड़ रहा है आपका, यहाँ पर म्यांमार देश के पास। ऊपर अपन देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, अभी तो कुछ नहीं देखने को मिला, यहाँ पर म्यांमार देश है। तो ये द्वीप भी जो है वो कैसा द्वीप है, विवादित द्वीप है, और ये भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, विवाद वाला द्वीप है। ठीक है, सो दो द्वीप हो गए आपके पास, एक कौन सा न्यू मोरे द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, और दूसरा कौन सा आपका यहाँ पर कोको द्वीप जो कि भारत और म्यांमार के मध्य में क्या है, विवादित है। क्लियर, और एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है निम्नलिखित में से भारत के किस द्वीप पर चाइना ने सैनिक अड्डा बना के रखा हुआ है, तो वो कौन सा द्वीप है आपके यहाँ पर, कोको द्वीप है। ठीक है, सो कोको द्वीप है यहाँ पे, एक प्रकार से देखा जाए म्यांमार का भी आधिपत्य है, यानी कि उसी का राज चल रहा है, तो उसने क्या है कि चाइना को देके रखा हुआ है, तो चाइना ने वहां पे क्या करके रखा हुआ है, अपना नौसैनिक अड्डा बना के रखा हुआ है इसको। ठीक है, सो याद रखना बीसीएस एग्जाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों कई की बार जैसे अपन बात करें यहाँ पर एमपीएसआई के क्वेश्चन पूछे गए वहां पर कि नारकोंडम द्वीप, ये नारकोंडम जो द्वीप है वो बैरन द्वीप के किस दिशा में है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर। तो विशेष प्रकार से याद रखना, डायरेक्शन भी देखना कि कौन कौन सी द्वीप कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। तो बैरन द्वीप जो है वो कहाँ पर है, नारकोंडम के दक्षिण दिशा में, तो नारकोंडम कहाँ हो जाएगा बैरन द्वीप के, उत्तर दिशा में, तो राइट आंसर उसका क्या था यहाँ पर, उत्तर। ठीक है, सो ऐसा डायरेक्शन अगर देखते चलोगे तो आपको कोई भी चीज रट्टाफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब हम बात करें यहाँ पर लास्ट टाइम यानी कि 2017-18 की बात होगी, तो यहाँ पर मोदी जी घूमने गए, यानी कि वो देखने गए कुछ चीजों के बारे में, उन्होंने समझा। ठीक है, और यहाँ का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर जी का। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है वो वीर सावरकर जी के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, सबको पता होगा वीर सावरकर जी कौन थे। सो वीर सावरकर जी को यहाँ पर, और बाकी बहुत जो भारतीय क्रांतिकारी थे, अन्य भारतीय क्रांतिकारी, तो उनको यहाँ पर क्या है कि काला पानी की सजा होती, काला पानी मतलब एक आइसोलेट जेल बना दी हमने, कहाँ पर, समुद्र के बीचों बीच में आइलैंड पर। अब वहां से क्या दी तो भाग सकेंगे नहीं। ठीक है, सो आपको याद रखना है तीन द्वीपों के नाम उन्होंने परिवर्तित किए, तो विशेष है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो द्वीप की जो लोकेशन है वो आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अलग से नाम लिख देता हूँ ना, हॉट स्पॉट बहुत होएगा। तो ये जो तीन द्वीप हैं आपके, उनके नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाम परिवर्तित किए गए, किसका नाम क्या रखा है वो देखना है आपको। देखो, एक द्वीप था आपका कौन सा, रोज द्वीप। ठीक है, एक जो द्वीप था वो कौन सा, हेवलॉक, और एक जो द्वीप था वो कौन सा आपका, नील द्वीप। तो रोज द्वीप का नाम बदला गया, हेवलॉक द्वीप का नाम बदला गया, और नील द्वीप का नाम बदला गया। तो रोज द्वीप का नाम बदल के क्या रखा है यहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के रखा गया यहाँ पर शहीद द्वीप, और नील द्वीप का बात रखा गया यहाँ पर स्वराज द्वीप। क्लियर, सो ये तीन के तीन पार्ट आप नोट डाउन कर लो जरा। है ना, आपको ये चेंजेस जो है वो दो साल पहले हुए आपके 2017-18 के राउंड में, तो याद रखना है कि रोज द्वीप जो है वो उसका नाम बदल के क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप,
हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया और नील द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया आपके यहाँ पर स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी के पास में अपन देखें ये पोर्ट ब्लेयर जो है इसी के पास में देखेंगे तो दो आइलैंड जो है नाम थोड़ा सा याद रखना है इनके, है ना। एक द्वीप है आपका कौन सा यहाँ पर ब्रदर द्वीप, कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर ब्रदर द्वीप, ब्रदर को भाई बहन वाला, ठीक है भाई द्वीप मत कर देना इसको, भाई का कोई द्वीप नहीं है ये ब्रदर सिस्टर द्वीप है। ठीक है, इंग्लिश में नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको हिंदी मत कर देना। ठीक है, एक द्वीप कौन सा आपका ब्रदर द्वीप और एक द्वीप कौन सा है सिस्टर द्वीप, तो आपको याद रखना है ब्रदर द्वीप और ये आपका कौन सा सिस्टर द्वीप। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रदर द्वीप और सिस्टर द्वीप जो है वो आप पे कहाँ पड़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि किस जगह पे आ रहे हैं आपके यहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, अंडमान निकोबार का पार्ट है। क्लियर, चलो तो दोस्तों ये सारे के सारे द्वीप जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। क्लियर, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनजाति निवास करती है कौन सी जारवा जनजाति, कौन सी आपकी यहाँ पर जारवा जनजाति, और ये जनजाति जो निवास करती है वो कहाँ निवास कर रही है आपकी मध्य अंडमान में सबसे ज्यादा कर रही है। क्लियर, कहाँ पड़ेगा आपकी ये उत्तरी अंडमान पर। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर इन द्वीपों में देखे हैं तो आपको एक काफी बड़ी चोटी और देखने को मिलती है मतलब माउंट मैरियट वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, पूछा नहीं गया जैसे सैडल पीक है उसी प्रकार से माउंट मैरियट, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना मे बी पॉसिबल ये पूछा जा सके एग्जाम में। ठीक है, सो माउंट मैरियट और आपके सैडल पीक जो है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है आपके अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहा है। इनके बारे में अपन बात करें लघु अंडमान कार निकोबार ऐसा कुछ खास है नहीं है बट आप ये याद रखना कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपके बृहद निकोबार के पास में है। क्लियर, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो निकोबार जो है आपके, ठीक है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपके 18 के आसपास में द्वीप हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, वैसे मेंशन कर दिए थे यहाँ पर कि निकोबार में अकेले देखे जाए तो निकोबार जो है वो 18 द्वीपों का समूह है और बाकी जो है आपके वो अंडमान में और आपके यहाँ पर इन क्षेत्रों में पड़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा भी था हमने यहाँ पर कि आपके बंगाल की खाड़ी में कुल मिला के आपके 572 द्वीप आ रहे हैं। क्लियर, सो इतना ही बात था इसमें, बाकी के जो है लक्षद्वीप के द्वीप हम देख लेते हैं 4-5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो ये सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो जरा फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो इसका पूरे वाले पार्ट का। क्लियर, चलो ये याद रखना, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है वेलिंगटन, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है वो भी आपका मध्य अंडमान है, तो ये तीन क्वेश्चन विशेष याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा पार हटा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यहीं की नीड रहेगी हमको। देखो यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो एक आपका द्वीप पड़ेगा ये आपका लक्षद्वीप का पार्ट है, कौन सा आपका यहाँ पर लक्षद्वीप, कुल कितने आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे आपके 36, तो ये जो है यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा वो कौन सा है आपके यहाँ पर मिनी कॉय, कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर मिनी कॉय द्वीप, ये सारे के सारे जो भाग है वो लक्षद्वीप का है। यहाँ पर अपन देखें तो एक आपको देखने को मिलेगा कावरती, कावरती जो है वो लक्षद्वीप की क्या है राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी यहाँ पर कावरती, है ना। बात करें अपन यहाँ पर इसके पास में आपको द्वीप देखने को मिला अगाती, कौन सा आपके यहाँ पर अगाती द्वीप, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, और यहां पर हमको देखने को मिलेगा कौन सा अमीनी द्वीप, कौन सा द्वीप आपको यहाँ पर अमीनी द्वीप, पूरा नाम ये द्वीप नहीं है ये द्वीप है ना, तो ये जो द्वीप है आपको यहाँ पर चार द्वीप आपको याद रखने हैं जो कि किसका हिस्सा है आपके यहाँ पर लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि होती है प्रवाल भित्तियां, ठीक है क्या आपका यहाँ पर प्रवाल भित्ति, तो सर्वाधिक जो प्रवाल भित्ति देखने को मिलेंगे हमको वो कहाँ देखने को मिलती है आपके लक्षद्वीप पर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर अंडमान निकोबार के भाग में भी आपको प्रवाल भित्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। सो ये टॉपिक था आज के लिए, बस हम खत्म करेंगे इसको, और इससे जुड़े हुए अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर लगता है कि कुछ और भी द्वीप है क्योंकि कुल मिलाकर तो 615 है, तो सबसे पहले आप इनको याद रखो और फिर आपको टाइम लगता है तो आप उनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, सो आप मेरे को बताओ यहाँ पर कि एक द्वीप पड़ता है आपका कौन सा द्वीप आपका होप द्वीप, कौन सा द्वीप आपका यहाँ पर होप द्वीप,
तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है या फिर अरब सागर में आ रहा है, ठीक है। सो जल्दी कमेंट बताना मुझे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।